वैसे आपका नाम क्या है? रामलाल। रामलाल भाई साहब ये इसी गांव में रहते हैं और आपको बताएंगे इस जगह के बारे में। सो गाइस, बिंदास मोटिवेशन व्लॉग, और ये है जलालपुर में मनरेगा उद्यान। यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है और बहुत बड़ा गार्डन है, तो आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं मनरेगा उद्यान के अंदर का नज़ारा, और हम किसी से पूछेंगे इसके बारे में कब इसका निर्माण हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसके अंदर इंटर करेंगे और आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। वैसे आपका नाम क्या है? रामलाल। रामलाल भाई साहब ये इसी गांव में रहते हैं और आपको बताएंगे इस जगह के बारे में। ये एक मंदिर है और इस जगह के बारे में मैं पूछ लेता हूं और फिर आप लोगों को इस जगह का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पूछ लेते हैं। तो इसका निर्माण कब हुआ है? पिछले साल 2021 में। 2021 में निर्माण हुआ है। तो अभी ये मंदिर किसके नाम से? मनरेगा उद्यान के नाम से। हाँ, तो मनरेगा उद्यान के नाम से। गांव का क्या नाम है? जलालपुर। और यहाँ पे भीड़ कब होती है, जैसे दर्शन करने का बात है? मंगलवार। जैसा मेला वेला जैसा कुछ लगता है यहाँ पे? मेला नहीं लगता कुछ, ऐसा ही। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इसका शुरुआत हुआ है और मंदिर अभी जल्दी बनी है, 1 साल हुआ है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अभी आप घूमने के लिए आए बस। रामलाल जी ने बताया कि इसके बारे में कब बना और इस यहाँ पे भीड़ कब होती है, दर्शन करने लोग मंगलवार को आते हैं। और आप लोगों को चलिए अब नज़ारा दिखाते हैं मनरेगा उद्यान का। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे और मनरेगा उद्यान के नाम से पूरा गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पे मंदिर है दूसरी तरफ, और आप लोग पीछे देख सकते हैं ये मंदिर हनुमान जी का है और बहुत सारे भगवान यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए और भी नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे स्टैचू लगे हुए हैं, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए गार्डन ही गार्डन है, और यहाँ पे मोर बना हुआ है, रात में लाइटें जलती हैं। सारा नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके। तो यहाँ से शुरू करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे छोटे छोटे 5 गेट लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 गेट है और यहाँ पे भी मोर बना हुआ है। तो इस जगह पे आराम करने के लिए है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। किसी गांव में ऐसा बना हो यार, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। पहली बार, मैं पहला यूट्यूबर हूं जो इस मंदिर में आया हूं और पहली बार इस मंदिर की वीडियो बन रही है। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरे गांव से 10-12 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ पे एक मज़ार बनी हुई है और ये नज़ारा, यहाँ पे सुकून से बैठने के लिए और चार्जर के लिए भी इंतज़ाम दिया गया है। यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, लाइटिंग का फुल इंतज़ाम है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। ये कुर्सी है और यहाँ पे बैठ सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और दूसरा गेट यहाँ पे है, तीसरा गेट। कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं तो देख सकते हैं आप लोग। चीयर्स। से भगवान की? विष्णु भगवान। लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी। और इसमें अभी तो पानी नहीं है, पानी बाद में डालेगा। पानी फुहारा सब चलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर लगेंगे। और आगे मैं आप लोगों को शिव जी का एक मूर्ति है वो दिखाएंगे, वहाँ पे भी फुहारा लगेगा। और आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है वो फुहारा लगा हुआ है वहाँ पे।
और इसके पास भी एक कुर्सी लगी हुई है, 6 कुर्सियाँ हैं यहाँ पे। और सारा सीमेंट से बनाया गया है और स्ट्रक्चर दिया गया है लकड़ी का, तो लकड़ी के इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है। ऐसा लग रहा है लकड़ी का बना है बट ये सीमेंट से बना हुआ है। और सामने की तरफ भी आप देख सकते हो, और इसके बाजू में हम देखेंगे तो यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी की, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ दिनों बाद घास उग जाएंगे। सामने एक मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे घास और वो शंख का स्टेचू है। और इस गांव का नाम है जलालपुर, और इसे बनवाया है मौजूदा प्रधान जो अभी भी हैं सुरेंद्र सिंह, उन्होंने बनवाया है। और यहां पे आप लोग आ सकते हैं इस गांव में, और यहां पे हनुमान जी का दर्शन करने आ सकते हैं। और ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा, यहां से देख सकते हो आप, मंदिर के अंदर आप दर्शन कर सकते हो। और दूसरी तरफ बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर शांति से सुकून से बैठ सकते हो। सो गाइस, जलालपुर में मनरेगा उद्यान। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे आने के लिए डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, वहाँ से आप आ सकते हैं। और बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ के मौजूदा प्रधान ने बनवाया है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ की चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक छोटे से गाँव में एक बहुत बड़ी चीज़ बनकर तैयार हुई है, तो हम यही चाहते हैं सभी दर्शकों से, सभी आने वालों से कि आकर देखो एक बार, एक गांव में बहुत बड़ी चीज़ बनकर तैयार हुई है, तो आपको अच्छा लगेगा आप यहां पे जब विजिट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।